राइट right? uh, से 1750 उन्नीस सौ सैतालीस तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था दैट वॉज रूल्ड बाई अ फॉरन पावर ब्रिटिशर्स एज वी ऑल नो और उस समय उस रूल के उन 200 समय के अप्रोक्सिमेटली 200 साल के समय में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज की वजह से इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या हुआ इज टॉपिक का डिस्कशन है, पूरी पूरी है इसके द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द पीपल हुई बता देना चाहता हूं कि दिस बुक दिसम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड दिस मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीआर हिस्ट्री टेक्स बुक ऑफ क्लास ट्वेल्थ करने की राइट दिस इज सीज ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज अवेलेबल ऑन दडी आई क्यू यूट्यूब स्टडी आई क्यू क्यूट चैनल पे आप जाएंगे तो ये स्पेक्ट्रम की सीरीज अवेलेबल है यू कैन कंप्लीट द होल मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू दिस सीरीज इस सीरीज के अंदर पहले हम

कंट्रोल करना स्टार्ट किया थ्रू एंग्लो माइसोर वॉर मराठास के साथ वॉर सिख के साथ वॉर्स के साथ ठीक है इसके बाद हम स्पेसिफिकली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 1750 से लेके 1850 तक ब्रिटिशर्स की कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी

भी कहा जाता है उसको। ये 1857 क्यों हुआ 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 था, था, था। कैसे इसमें कौन-कौन कौन-कौन लोग involved थे, कौन -कौन से leaders involved थे। से से होने की वजह एक कि ईस्ट इंडिया का जो रूल था उसको हटा के ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था यानी कि 1858 के बाद, 1858 में वो कानून पास किया गया था जिससे हुआ था। उसके बाद, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए ये दोनों की दोनों चीजें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं यही समय ये जो 19वीं सदी का समय है यानी 1800 से लेकर 1900 तक का जो समय है इसमें कौन कौन सी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स उस समय की सोसाइटी में चलती थी वो हमने देखी है आज का हमारा जो उद्देश्य है दैट परटेनिंग टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया राइट अब नोटिस कीजिएगा uh, 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 so की, की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये जो चैप्टर है इकोनमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया अगर हम स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो इट इज दैप्टर नंबर ट्वेंटी

के ऊपर उपलब्ध हूं t.me/amitkhalor आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टू तो गेट द पीडीएफ्स एंड द नोटिफिकेशंस अगली वाली क्लास कब आने वाली है यू कैन आल्सो ज्वाइन मी मैसेज टू कांटेक्ट मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल ठीक है इसके बारे में बात करते हैं वी स्टडी ए पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार ये देखते हैं कि क्वेश्चंस अगर इससे कभी आएंगे प्रीलिम्स या मेंस में सो व्हाट वुड बी द नेचर और व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दोस क्वेश्चंस सो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से एसोसिएटेड इनको पढ़ेंगे तो हमें कुछ कुछ आईडिया लग जाएगा कि क्या एग्जामिनर uh, हमसे क्या जानना चाहेगा लेट्स ट्राई इट ओके हाउ वाज इंडिया ट्रांसफॉर्मड इनटू एन इकोनॉमिक कॉलोनी अंडर ब्रिटिश रूल राइट right? ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया तो भारत को कॉलोनी के रूप में प्रयोग किया गया था तो ये प्रोसेस कैसे हुआ ऐसा आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है हाउ डिड दिस हैपन पहला सवाल दूसरा डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रूइनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द हैंडीक्राफ्ट्स ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो भारत के हैंडीक्राफ्ट्स थे जो भारत के आर्टिसंस थे जो पहले जो ट्रेड किया करते थे ट्रेडिशनली वो डिस्ट्रॉय हो गया दे आर कि वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिनसे भारत की इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स के आने से पहले और जो भारत के हैंडीक्राफ्ट थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए डिस्कस द ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन प्रेजेंट्री भारत के जो किसान थे या फिर फार्मर्स थे जो है जो किसानी किया करते थे उनके ऊपर कौन कौन सा इंपैक्ट हुआ ब्रिटिशर्स की एंट्री की वजह से डिस्कस द रीजन फॉर द रूइंग ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड द स्प्रेड ऑफ द लैंड लॉडिज जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो कई सारी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं उन नई पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट था कि जो ब्रिटिशर्स से पहले वाले जमींदार थे ओल्ड जमींदार जिनको कहा जाएंगे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और एक नया प्रकार का लैंड लॉर्डिज्म दोनों के दोनों क्या थे और किस प्रकार से हुए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ डिड द रेवेन्यू एंड द लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिश बेनिफिट द मनी लैंडर्स ब्रिटिशर्स क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी थी तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट बनने की वजह से पॉलिसी डिसाइड करती थी तो उनके दिमाग उनके अलग अलग पॉलिसीज में कुछ रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने नए नए इंट्रोड्यूस किए थे जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट रायत वारी महलवारी जो सिस्टम्स होते हैं एंड उनके नए मॉडर्न लीगल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लेकिन ये दोनों के दोनों जो सिस्टम थे इससे जो पेजेंट होते हैं फार्मर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं आर्टिसंस होते हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा रादर मनी लैंडर जो पैसा लेंड करते हैं मर्चेंट जो क्लास होती है उनको फायदा पहुंचा ऐसा हुआ क्यों डिस्कस द कॉज ऑफ द दस्टैगनेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में जब हम एनालाइज करते हैं तो वी रियलाइज कि 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया और उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट लास्ट में आया कि 200 साल तक एग्रीकल्चर जहां थी वहीं पर रही यानी कि सैतालीस में जब अंग्रेज देश छोड़ के जाते हैं तो एग्रीकल्चर की जो हालत थी ये वही थी जो कि सेवनटीन हंड्रेड में हुआ करती थी सो so ये स्टेगनेशन एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुई वेर ड्यूरिंग दोस्त पूरे के पूरे विश्व में और दूसरे देशों में एग्रीकल्चर डेवलप हो रही थी या प्रोग्रेस कर रही थी मॉडर्नाइज हो रही थी व्हाई डिड इट नॉट हैपन इन द इंडिया क्या किया से? So on on. इसी प्रकार से, भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछता है जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन में एक बार यूपीएससी ने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये यूपीएससी ने 2006 में मेंस में क्वेश्चन <laughs> पूछा है अब एक फिनोमिना हुआ था कि एग्रीकल्चर प्रोग्रेस नहीं कर रही थी लेकिन अंग्रेजों ने उसे कमर्शियलाइज कर दिया था ये क्या प्रोग्रेस है ये ये क्या क्या है इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे टू व्हाट एक्सटेंड डिड दी सीन इससे जो गांव के लोग थे या गांव की इकॉनमी थी या गांव की सोसाइटी थी उनके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा ये यूपीएससी ने 2010 में सवाल पूछा था मेन्स के अंदर ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नाइनटीन सेंचुरी में थी द इंडियन हैंडीक्राफ्ट में यूपीएससी ने दो में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय है, हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी उसको ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया एंड इस प्रकार के देर आर सर्टन मोर क्वेश्चन यू गेट द आइडिया वी हैव टू एक्चुअली लर्न वन पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया और उससे संबंधित अगर आप कुछ देखेंगे तो यू प्रॉबेबली नाव है बेसिक आइडिया कि हमें किस किस डायरेक्शन में इन सारी चीजों को पढ़ना है या किस किस डायरेक्शन में इन सारी चीजों को समझना है सो नाउ विल बिगिन द टॉपिक एक बार हम उसकी पूरी की पूरी समरी अंडरस्टैंड करते हैं कि आज हम पूरा क्या पढ़ेंगे क्या सीखने को मिलेगा एंड देन विल ऑब्वियसली ट्राई टू राइट आंसर टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ताकि हम थोड़े से और अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड बिफोर वी बिगिन द क्लास अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो ले जस्ट टेल यू की यूपीएससी का एक लाइव फाउंडेशन बैच लाइव एज इन जिसके अंदर आपकी जो क्लासेज होती है वो स्टडी क्योंकि फैकल्टीज के साथ लाइव होती है वो उसको ज्वाइन करने का कल लास्ट डेट है टूमोर इज दी बेसिक दी लास्ट डेट टू ज्वाइन दिस लाइव फाउंडेशन बैच नंबर सिक्स

गलत लिख दिया देख के, देख के लिखना पड़ेगा ए एम आई टी एल आई अमित आपका जो कोर्स है वो सिर्फ एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज का हो जाता है एंड दैट वुड एंटेल वी गेट एडमिशन इन टू दी स्टडी आई क्यू लाइफ फाउंडेशन बैच और आपकी क्लासेस सुबह आठ बजे से स्टार्ट हो जाएंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन दी

इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर वी बिगिन हम समरी दैट इज वॉट द राइट वे टू स्टडीज इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया को अगर पढ़ना ही है तो उसकी समरी करते हैं थोड़ा सा आइडिया ले ले कि आगे पूरे आने वाले एक घंटे की जो क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे देखो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो सबसे स्पेसिफिकली टॉपिक हमें एक पढ़ना की ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि होनी इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए थी या जो इंडस्ट्रीज पहले से थी वो डिस्ट्रॉय हो गई ब्रिटिशर्स की वजह से ओके okay? ब्रिटिशर्स की वजह से so, एक टॉपिक है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उनका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो रही हैं रिवर्स प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। जो बच्ची खुची है। जिसकी से और उस समय विश्व के नंबर वन थे वो सारे के सारे रूइन हो गए डिस्ट्रॉय हो गए इसका एक और पैरल इंपैक्ट था कि जो पेजेंट्री थी यानी कि जो किसानी किया करते थे वो भी बेसिकली धीरे धीरे इम्पोवर हो गए इम्पावर हो गए उसके साथ साथ एक नया फिनोमिना आया एग्रीकल्चर uh, में कृषि में अंग्रेजों के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरमीडियरीज एंड लैंड लॉडिज ठीक है सो so, अंग्रेजों का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना सबसे पहले जब वो बंगाल का उन्होंने रूल लिया सो दे यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ द बंगाल इन्होंने एक अपनी पॉलिसी बनाई कि रेवेन्यू और ज्यादा बेहतर कैसे कलेक्ट कर लिया जाए तो इन्होंने एक क्लास खड़ी कर दी जिसको कहते हैं या एबसेंटी लैंड लॉर्डिज ये वो लोग थे जिनको काम मिलता था एक्चुअली में जमीन पर जाकर रेवेन्यू कलेक्ट करने का और ये जाके लैंडलॉर्ड से डील किया करते थे था नहीं करना पड़ता था, ये सिर्फ और, और, और उन्नीसवी सदी में कैसे एग्रीकल्चर कंप्लीटली स्टेगनेट हो गई और उसकी वजह से कृषि से एसोसिएटेड जो भी लोग हुआ करते थे वो पॉवर्टी में फेमीन में किस प्रकार से उलझे रहे पूरे के पूरे उन दो सौ सालों में अब ये पैराडॉक्स वर्ड कहीं सुनने में लगेगा कि एक तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो स्टैगनेट होने लग रही है दूसरा एक हमें फिनोमिना देखना है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिंपल प्रोसेस इज दैट कि अंग्रेजों ने क्या किया एग्रीकल्चर का जो एक्चुअली में जो पहले उनके आने से पहले जो मेन काम था वो था वो बेसिकली विलेज को फीड करना या किसी फैमिली को फीड करना तो फूड क्रॉप्स ज्यादा उगाई जाती थी भारत के अंदर राइट right? व्हीट uh, क्या नाम राइस उगाया जाता था बाजरा उगाया जाता था अंग्रेजों ने इस पूरे प्रोसेस को बदल के कमर्शलाइज कर दिया कमर्शलाइज का मतलब ऐसी चीजें उगाना जिससे बेसिकली कमर्शियल मार्केट में बेचा जा सके जैसे कि चाय जैसे कि कॉफी जैसे कि रबड़ राइट जूट इंडस्ट्री जो होती है कॉटन इंडस्ट्री जो होती है इस प्रकार से जो कमर्शियलाइज किया जा सके सो फूड इंडस्ट्री से बदल के कमर्शियल बना दिया गया एग्रीकल्चर को दैट इज व्हाट विच ब्रिटिशर्स डिड तो इसके बारे में पढ़ेंगे एंड जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो कंप्लीटली खुद ही खुद हैंड टू हैंड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी दैट वॉज दर्स्ट थिंग करते ही रहे थे इन सारी चीजों का जो इंपैक्ट था वो

द स्टेजेस ऑफ द कॉलोनियलिज्म एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमारी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कि कॉलोनियलिज्म देश में कैसे कैसे बढ़ा तो उनका जो प्रोसेस था अलग अलग है तो 1800 1750 से लेके 1813 तक उनके एम और ऑब्जेक्टिव कुछ और है 1813 से 1860 तक उनके एम और ऑब्जेक्टिव कुछ और कंप्लीटली डिफरेंट है और फिर 1860 के बाद उनके एम और ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली और बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं तो तीन स्टेजेस हैं कॉलोनियलिज्म की और तो तीनों की तीनों स्टेजेस को हम देखेंगे लेट्स बिगिन हमारा आज का टॉपिक कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया क्या था सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं हम और किसी का नहीं पढ़ेंगे कि मुगल का इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पे क्या है या फिर मौर्याज का क्या है या गुप्ताज का क्या है दर इज अ स्पेसिफिक रीजन क्योंकि ये अंग्रेजों के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ा जाता है वी ट्राई टू लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट एंड ऑल अदर इन्वेडर्स जो भी थे स्पेसिफिकली ये कि कोई भी और राजा महाराजा जिसने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया उसने कभी ना इकॉनमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए दे माइ डो इट विदायटी दे माइट डू इट विदमिनिस्ट्रेशन दे माइट डू इट विद द रिलीजन ऑल्सो बट दे नेवर यूज टू चेंज स्ट्रक्चरली द इकोनमी ऑफ द इंडिया ये जो इकॉनमी ऑफ इंडिया चेंज हुई थी दैट हैपन फर्स्ट टाइम बाई द ब्रिटिशर्स सो कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडियन इकॉनमी में किसी और रूलर किसी और इन्वेडर के द्वारा नहीं किए गए थे राधा ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे इंडिया कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बेसिकलीज देशन ऑफ इंडियन इकॉनमी इन टू कोलोनियल इकॉनमी मतलब की कोलोनियल इकॉनमी होता क्या पहले एक बात कोलोनियल इकॉनमी क्या होता है इकोनॉमी का सरल सा मतलब इकॉनमी ऑफ अ कोलोनी ठीक है वॉट इज कॉलोनी कॉलोनी किसी एक बड़े सुपीरियर देश की एक कॉलोनी जिसको ये देश जैसे मर्जी यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए सो वी बिकेम अ कॉलोनियल इकॉनमी वी इंडियन इकॉनमी बेसिकली बिकेम ए कॉलोनियल इकॉनमी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स सो ब्रिटिश इकोनॉमी को जो भी जरूरत पड़ती थी इंडियन इकोनॉमी में एग्जैक्टली exactly वैसा कर दिया जाता था मतलब हम उनके मर्जी पे थे तो ब्रिटिश इकोनॉमी रिसेशन में जाती थी तो उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे अब इंडियन इकोनॉमी की कि कहीं इसके रिसेशन किस प्रकार से और मतलब कम कर दिया जाए हमारा जो नुकसान होता जाता है वो और ज्यादा कर सकते हैं वो चाहे तो चाहे क्या वो करते ही रहते हैं बेसिक एस्टिमेट के तौर पर देखते हैं कि है, रूल uh, करना स्टार्ट किया था पच्चीस प्रतिशत हिस्सा था भारत की इकॉनॉमी का मतलब पूरे वर्ल्ड की इकॉनॉमी ट्वेंटी थी वी आर लाइक द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन सेवन ड्यूरिंग द मुगल रूल राइट ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ दर्ल्ड इकॉनॉमी और जब उन्नीस में अंग्रेज बाहर के जाते थे वी केम डाउन टू लेस देन 3 परसेंट एक्चुअली दिस थ्रीट इज ऑल्सो एन ओवर एस्टिमेट इट इट लाइज समवेर बेडाउट फाइव टू टू परसेंट सो ये ये जो मैसिव डिफरेंस है ये 200 साल में हुआ और ये 200 साल में वेरी कैटेगोरिकली स्पीकिंग ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हुआ था

रूरलाइजेशन यानी कि देश जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ और बना रहा है जो हमारी सिटीज़ हैं पुरानी सिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है छोटे छोटे टॉपिक वन वे फ्री ट्रेड का मतलब कि अंग्रेज फ्री ट्रेड कर सकते हैं भारतीय नहीं कर सकते तो अंग्रेजों को कुछ सामान लाना है उसके लिए फ्री है लेकिन अगर भारतीयों को कुछ करना है तो वो फ्री नहीं हो पाएगा नो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय ये जो समय है एटीन का इस समय विश्व का एक और मेजर इम्पैक्ट हो रहा था और एक और फिनिना चल रहा था जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन right? राइट 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी के बिगिनिंग में पूरे के पूरा जो यूरोप था वहां पर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव चल रही थी कंट्रीज के पास अचानक से साइंस डेवलप कर रहा था प्रोग्रेस हो रही थी एंड हमें ह्यूमैनिटी को एज सच पता चल गया था कि हम पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं स्टीम इंजन के द्वारा पेट्रोल के द्वारा रेलवेज के द्वारा एंड वो बहुत ही एक्साइटिंग पीरियड था क्योंकि ऑलमोस्ट हर डेकेड में कुछ सेमिनल कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो रही थी जो कि पिछले दस हज़ार सालों में बिल्कुल भी नहीं हुई थी इट वॉज अ पीरियड ऑफ ए ट्रीमेंडस लेवल ऑफ द प्रोग्रेस इन यूरोप इट डेंट हैपन इन इंडिया वेरी स्पेसिफिकली इंडिया में किसी भी प्रकार की मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं आई

क्या करता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर देता है अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया को बेसिकली उस समय रूल कर रही है प्राइमली राइट right? एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है ये 1600 सदी में बनी थी 1600 में और 1600 से 1813 तक इसके पास मोनोपोली थी कि पूरे इंडिया के साथ सिर्फ यही ट्रेड कर सकती थी ये पहली बार जो है ये मोनोपोली है इसको खत्म किया गया है कब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तो जैसे ही वो खत्म हुआ पैरेलली वहां पर आ, जो ब्रिटेन है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग रही है मशीन्स डेवलप हो चुके हैं तो जैसे ही वो मोनोपोली खत्म होती है तो वहां के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे मर्चेंट्स थे उन्होंने मशीन मेड चीप इंपोर्ट्स को बेसिकली भारत की मार्केट में फ्लड कर दिया और अंग्रेजों ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि वन वे फ्री ट्रेड होगा वन वे फ्री ट्रेड मतलब कि ब्रिटिशर्स जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कोई भी ड्यूटी नहीं लग रही है लेकिन भारतीय है जो हैं या हैंडीक्राफ्ट जो बना रहे हैं हम हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटी ब्रिटिशर सिटिंग इन लंडन अपनी एक कॉटन की शर्ट बनाता है और कॉटन की शर्ट को यहां बेचता है उसको कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी जितने की वहां बनी है वो उतने की यहां पर ही बेच दिया है सिफ्टर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के लेकिन एक कलकत्ता में इंडियन है जिसने अपने हाथों से आर्टिसन कुछ आर्टिस्ट ने कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाए हैं स्पेसिफिकली अब ये पहले उसको लंदन लेके जाएगा और लंदन में 200 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी और उसके बाद बेचेगा तो अब लंदन वाला किसको खरीदेगा भाई और खुद इंडिया में भी बेसिकली उसको अलग टाउन से ले जाने में उसको ड्यूटी सो वन वे फ्री ट्रेड अंग्रेजों को फ्री ट्रेड मिल रहा है और कुछ भी नहीं बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे टेक्सटाइल्स के भाई अंग्रेज आप भाई बात बताइए इंडिया में कर क्या रहे थे ये ही को तो ही तो लेने आए थे यहाँ से टेक्सटाइल इंपोर्ट uh, से एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से लेके यूरोप में जाके बेचा करते थे लेकिन अब जैसे ही इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन आया तो ये क्या करते हैं अब उसके ऊपर 80 प्रतिशत की टैरिफ ड्यूटी लगा देते हैं ताकि अब हम वहां कपड़े ना बेच पाए रॉ मटेरियल दे दो हमें ये इनके काम थे यूरोपियन मार्केट्स वर वर्चुअली क्लोज टू इंडियन एक्सपोर्ट्स ठीक है तो 1820 तक जैसे ये चार्टर एक्ट आता है वन वे आ रहा है वो सामान बेच रहे हैं हम बेसिकली नहीं बेच सकते हैं हम सिर्फ खरीद सकते हैं वी कांट बाय ब्रिटिश मेड कोड द न्यूली इंट्रोड्यूस अच्छा 1850 के बाद इंडिया में रेल नेटवर्क भी बना दिया गया अंग्रेजों ने और वो रेल नेटवर्क का क्या काम था रेल नेटवर्क का, का काम था कि अंग्रेज जो बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेसिकली इंडिया के हर एक कोने कोने में जाकर बेच दीजिए दैट इज द वन वे फ्री ट्रेड दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकंड सेकंड नो स्टेप्स टुवर्ड्स दी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी और या फिर किसी और के साथ नहीं है ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स आप नोटिस कीजिए जो भी जितने भी गवर्नर जनरल हैं ठीक है डल हो गया कैनिंग हो गया और एनी बड़ी वॉरन हिस्ट्रिक्स हो गया ये सबके सब इंडिया में पोस्टिंग पर आते थे पोस्टिंग पर राइट दे यूज टू कम एट पोस्टिंग इंडिया को जो भी रूल कर रहा है वो बेसिकली लंडन में रह रहा है उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है छह सात साल के लिए काम करना है और उसके बाद यहां पर रहना ही नहीं है अब यूजुअली जहां पे पता हो कि सिर्फ तीन चार पांच छह साल के साथ रहना है आप वहां पर कभी कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू आप खुद पर्सनली जमीन वहां पर खरीदेंगे जहां पर सिर्फ तीन चार साल रहना चाहते हैं जिंदगी में रहना पड़े या कहीं वहां पर घर खरीदेंगे सिर्फ नो यू बाय हाउस और बाय प्रॉपर्टी वेन यू नो कि हमें पूरी जिंदगी यहीं पर रहना है अंग्रेजों को फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें भारत में कभी रहना ही नहीं था एंड उन्होंने कभी जरूरत ही नहीं समझी कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी थी अब स्पेसिफिकली एक तो ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है वो लूज क्या नाम है लूज हो ही रहे हैं लेकिन पैरल क्या था ब्रिटिश उस समय यूरोप में भी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड लूज हो रहे थे बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से जो भी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड लूज करता था वो इंडस्ट्रीज में चला जाता था तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के जैसे की मशीन आ गई और जो टेक्सटाइल्स कर रहे थे जो हैंडमेड टेक्सटाइल बनाते थे लेकिन अब मशीन वाले टेक्सटाइल आ गए सो ऑल पीपल दो एब्जॉर्ब इन टू दी न्यू इकॉनमी न्यू कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी इंडिया में प्रोसेस में इसमें पूरे के पूरे हाफ हो गया हमारी जो ट्रेडिशनल इकॉनमी है वो डिस्ट्रॉय होने लग रही है क्यों क्योंकि भाई अंग्रेजों का फ्री का सामान आ रहा है सस्ता सामान आने लग रहा है वो इंडिया में अपने हाथों से मशीन है नहीं हमारे पास इंडिया अपने हाथों से शर्ट बन रही है एक कॉटन शर्ट बन रही है तीन दिनों में खुद हाथ से सिलाई से अब वो बेसिकली मशीन के द्वारा पचास कॉटन शर्ट एक दिन में बनाए दे रहे हैं और उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही हमें इसकी भी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है सो वी आर एक्चुअली गेटिंग द एंड डिस्ट्रॉइडि हैंडीक्राफ्ट दे आर एक्चुअली मेकिंग मोर एंड मोर मनी सो दिस रिजल्टेड इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया एट अ टाइम जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है यूरोप में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल चल रही है लेकिन ब्रिटिशर्स आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस साथ ही साथ ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे और थे ये पहले से ही लॉस कर रहे हैं इसके साथ क्या था जो पुराने आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे वो हमेशा जो रॉयल्टी होती थी उस समय की राजा नवाब महाराजा जो थे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे दे वर दियर पैटर्न ठीक है और वो आर्ट को अप्रिशिएट किया करते थे ब्रिटिशर्स जो रूलर्स थे

कृषि के ऊपर होंगे या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर प्राइमरी इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन का होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेकेंडरी और टर्शरी सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं राइट टर्शरी इंडस्ट्री में सेकेंडरी और टर्सरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद मोर मोर सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज या मोर सेकेंडरी टर्सरी टर्शरी इंडस्ट्रीज सो अर्बनाइजेशन जहां पर भी होती है और अगर प्लान हो रही होती है तो इट इज गुड इट एक्चुअली रेजेज द पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी अनप्लैंड अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है अब हमारे देश में वियर्डली इनफ जब यूरोप में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है वहां पे जितने भी गांव वाले लोग हैं वो सब के सब बड़े बड़े शहरों में बस रहे हैं लंदन बड़ा होने लग रहा है पेरिस बड़ा होने लग रहा है इंडिया में जो हमारी सिटीज थी जहां पर राजा महाराजा रहा करते थे मुर्शिदाबाद दिल्ली आगरा ये सारे के सारे जहां पर आर्टिस और हैंडी होते थे क्योंकि अब ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सो व्हाट डू दे डू दे गो बैक टू द विलेजेस वो सारे के सारे वापस गांव चले जाते हैं क्योंकि इनका सारा का सारा काम धंधा खत्म हो चुका है तो इनके पास कुछ बचा नहीं है नया करने को सो दे गो टू द विलेजेस एंड दे स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वैसे बर्बाद हो रही है अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बर्बाद हो रही है लेकिन अब उसके ऊपर और बोझ आ गया एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयड होकर अब वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने लग गई है डी इंडस्ट्रियालाइजेशन वॉज द डिक्लाइन ऑफ द सिटीज एंड अ प्रोसेस ऑफ द रूरलाइजेशन जितने भी ये लोग थे आर्टिस्ट ये सबके सब जब इनको कुछ नहीं मिला तो धीरे धीरे वापस गांवों में पहुंचने लग गए ठीक है वापस गांव में पहुंचने लग गए उन्होंने अपने सारे प्रोफेशन को छोड़ दिया मूव टू तो विलेजेस एंड टुक टू दग्रीकल्चर सो so, पहले एग्रीकल्चर पर लेते कि सिर्फ चालीस प्रतिशत लोग डिपेंडेंट है लेकिन अचानक से विद इन टू और थ्री फोर फाइव डेकेड में साठ प्रतिशत हो गए आट इज नॉट एक्जैक्टली अ गुड सिचुएशन फॉर एनी काफ इंडस्ट्री

सन इज ए प्रजेंट सो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड ओनर ऑफ द लैंड कोई और है ठीक है चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो लेकिन ये आदमी खेती करता है उसके ऊपर अनाज उगाता है उसमें से कुछ अनाज ओनर को दे देता है और बाकी अनाज बेसिकली अपने पास रख लेता है और ये बहुत बड़ी क्लास थी उन, उस समय के विलेजेज में आज भी बेसिकली देश में बड़ी है लेकिन हम देख रहे हैं अंग्रेजों के समय में इसको किस प्रकार से इम्पॉवरिश किया गया ये तीन बोझों की तरफ दबा गवर्नमेंट को अंग्रेजों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्यों क्योंकि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरेस्टेड थे रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरेस्टेड थे रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरेस्ट करने के लिए अंग्रेजों ने काम पे लगाया जमींदारों को नए जमींदारों को तो जमींदार का काम सिर्फ और सिर्फ इससे रेवेन्यू कलेक्ट करके बेसिकली गवर्नमेंट को दे देना था That was the whole purpose. को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है और ज्यादा गरीब होता जाएगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्रॉप uh, उगाने के लिए अनाज उगाने के लिए या वो जो कैश क्रॉप है वो उगाने के लिए भी मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ेगा मनी लैंडर्स आर सपोर्टेड बाई द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर पेजेंट से रेवेन्यू निकलवाना है तो भाई इसको किसी न किसी प्रकार से कर्जा भी दिलवाना है तो इनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी जो लीगल पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं पर मनी लेंडर को सपोर्ट कर रही थी इन तीनों के बीच चक्कर में बोझ में हमारा जो पेजेंट था उस समय का वो कंप्लीटली दबा दिया गया स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेंट एंड द सिक्योरिंग इट्स शेयर ऑफ द रेवेन्यू कोई और कोई लेना देना नहीं और इसका तरीका इन्होंने क्या निकाला इसका तरीका निकाला इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का अंग्रेजों का क्या आइडिया सबसे पहला आइडिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमानेंट सेटलमेंट सिंपल प्रोसेस है परमानेंट सेटलमेंट ये क्या करते थे ये एक आदमी को बुलाते थे सुनो तुम हो लैंड ओके तुम लैंड हो ये पूरा का पूरा गाँव है इसके हज़ार एकड़ का रेवेन्यू तुम कल से मुझे कलेक्ट करके दे देना ठीक है से एक साल का रेवेन्यू है और जितनी भी क्रॉप्स पैदा हो इसका फोर्टी परसेंट तुम मुझे कलेक्ट करके दे दीजिए ठीक है और जब तुम फोर्टी परसेंट कलेक्ट करके दे दोगे तो दस परसेंट मैं तुम्हें दे दूंगा गवर्नमेंट उसको ये बोलती थी सो so, ये लैंड लॉड को इसकी तो ऐश हो गई कि इसको कुछ काम नहीं करना है इसको बेसिकली दस परसेंट मुफ्त का मिलेगा ही मिलेगा अब इसको काम आ गया है अब ये लैंड लॉड बन गया है और ये बेसिकली वहां के जितने भी पेजेंट्स हैं उनको बोलता है क्रॉप्स उगाओ और मुझे बेसिकली इतना रेवेन्यू चाहिए साल के एंड में मुझे नहीं पता कैसे दोगे आई नीड इट आई वॉन्ट इट क्योंकि मुझे आगे देना है अच्छा

तो जो एक ट्रांसफरेबिलिटी थी लैंड ना ट्रांसफरेबल बना दी अब देखो इसको हमेशा इस कॉन्टेक्स में देखना कि इससे पहले क्या होता था अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों से पहले जो विलेज होता था ना वो काइंड ऑफ है सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट था इकोनॉमी का ठीक है और लैंड इस प्रकार से जस्ट बिकॉज कि किसी ने रेवेन्यू नहीं दिया कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड लाइक वेरी इजिली जो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे अंग्रेजों ने इस प्रोसेस को तेज किया ट्रांसफरेबल ऑफ द लैंड इसका इसका आइडिया क्या था अंग्रेजों का आइडिया था क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी लैंड ट्रांसफर कर पाएंगे उतना ज्यादा रेवन्यू मेरे पास आया करेगा दैट वॉज दी होल आइडिया

मुझे एक साल का इतना रेवेन्यू चाहिए ओके, जस्ट गिव दिस टू मी हैंडल इट तो रेवेन्यू का होता था टेन बाई इलेवन तो जब जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था तो टोटल 11 हिस्सों में से 10 अंग्रेजों को दे दिया करता था एक अपने पास रखता था तो अब जमींदार को इंटरेस्ट था कि ये अपना हिस्सा कैसे बढ़ाऊं कैसे बढ़ाऊं इमेजिन okay, मैं इमेजिन करता हूं आपको पता है कि जैसे आप कभी घर लेने जाते हैं फ्लैट लेने जाते हैं किराए पे कुछ रूम लेने जाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर इंक्लूड होता है ठीके? तो सपोज कीजिए कि कि प्रॉपर्टी डीलर कुछ महीने की डीलिंग वो लेते हैं हैं ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज क्या कहते कहा जाता है सो आपका जो रूम है अगर पंद्रह हजार का है ठीक है पंद्रह हजार रुपए का तो पंद्रह हजार रुपए का रूम लेंगे और आप अपने डीलर को जो डीलर होता है प्रॉपर्टी डीलर उसको ब्रोकरेज देते हैं पंद्रह हजार रुपए की नाउ इमेजिन नाउ जस्ट इमेजिन प्रॉपर्टी डीलर के दिमाग से अगर आप सोचोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है या आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके लिए फायदे की चीज है कि वो इस पंद्रह की बजाय सोलह का बेच दे इसको भाई जो ओनर है हो सकता है वो पंद्रह का ले लेगा लेकिन अब प्रॉपर्टी डीलर के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं इसको सोलह का बेचू अगर मैं इसको सोलह का इस रूम को रेंट पे चढ़ा दूं तो मेरे लिए फायदे की बात है प्रॉपर्टी डीलर या जो बीच में मिडलमैन है जो ब्रोकरेज ब्रोकरेज लेते हैं इनका इंटरेस्ट रहता है रेंट को और ज्यादा तेज तेज करते, करते, करते हैं है. exactly like exactly वही काम है ब्रोकरेज वाला जो सिस्टम है ना ऑलमोस्ट ऑल अगर आप देखें बिल्कुल वही कॉन्टेक्स्ट में था अब इसमें इस पूरे, पूरे प्रोसेस में जो इंडिविजुअल ओनर है हाउस का रेंट पे जो चढ़ा रहा है जो ब्रोकर है और उसके बाद जो आप है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका आपका ये रूम हो सकता है बारह हजार रुपए का हो बट इट विल बी एक्चुअली सोलह का सत्रह का बिकॉज द मोर द ब्रोकर एक्चुअली कैन गेट द मनी आउट ऑफ यू द मोर ही इज गेटिंग पेड और सेम काम बेसिकली हमारे जमींदार किया करते थे तो पेजेंट्स जो थे जब ऐसा हो जाता है द दर्डन पेजेंट्स है मनी लेंडर्स उनको बेसिकली धीरे धीरे जो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पे करने के लिए अच्छा रेवेन्यू पे ना करे तो उनको जमीन से निकाल दिया गया जमीन से निकाल दिया गया तो वो भूखे मरेंगे तो भूखे मरेंगे तो वो रिस्क ले लिया करते थे कि भाई इस साल चलो कर्जा ले लेते हैं बच जाएंगे जिंदा बच जाएंगे दो साल और वो फिर मनी लेंडर्स के कर्जे में और ज्यादा दबते रहते थे दबते रहते थे अब अगर देखोगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारे जो प्रेजेंट थे उनका काम हो गया था मनी लेंडर है आपको मालूम है आज भी पता ही है आखिर बेसिकली जो लॉ होता है जो जुडिशरी होती है प्राइमरी स्पीकिंग इट इज़ अ फैक्टर ऑफ मनी टू और ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद है उस समय तो बेसिकली ऐसा कुछ था ही नहीं तो जो भी मनी लेंडर हुआ करते थे पैसे के दम पे जुडिशरी और लॉ को अपने फेवर में रखते करते थे फाइनली जो लास्ट में है प्रेजेंट हमारा ट्रिपल बर्डन के नीचे दब गया गवर्नमेंट जमींदार और मनी लेंडर के लिए फैमीन होते थे उसका भी बेसिकली भुगतान इन्हीं को करना पड़ता था अंग्रेजों की आपने कई सारी हरकतें सुनी होंगी देखी होंगी कि फैमिन होने के बावजूद भी वो रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट करते थे जितना क्रॉप होने पर किया था अभी अभी हम देखेंगे आने वाले समय में गांधी जी के कुछ बड़े सारे से सत्याग्रह हैं ओपनिंग में जब तीन सत्याग्रह पढ़ते हम चंपारण सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह अब खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया गया था खेड़ा सत्याग्रह इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय वहां पर अकाल पन्ने पढ़ने की वजह से रेवेन्यू पेमेंट ही नहीं हो पा रही थी लेकिन अंग्रेज इस बात पर तुले हुए थे कि सारा रेवेन्यू लेंगे हम तो नहीं तो जमीन नहीं तो जमीन ही हड़प लेंगे रेवेन्यू के लिए सो so, ये जो रायत वाली सिस्टम जो महल वाली सिस्टम से इसका बेसिकली प्राइमरी नुकसान हमारे पेजेंट्स को भुगतना पड़ा साथ ही साथ एमरजेंस ऑफ द इंटरमीडियरीज एंड दबसेंट्री लैंड लॉडिज्म ये बेसिकली इसी चीज़ से एसोसिएटेड है 1815 के समय तक ना अप्रॉक्सीमेटली पूरे के पूरे बंगाल की जो आधी जमीन थी वो नए आदमियों के पास चली गई थी अंग्रेजों के दोस्तों के बारे में मर्चेंट्स के मनी लैंडर्स के और दूसरी जो पैसे वाली क्लास है और इंटरेस्टिंग बात थी जो ये नए लोग हैं ना ये ये जो लैंड लॉर्ड्स हैं ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये गांवों में नहीं रहते रादर ये शहरों में रहते हैं है, ये फिनोमिनामिना दैट इज हैपनिंग एट टाइम उस समय की सोसाइटी में और इकोनॉमी में अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से एक नया फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है ये नया फिना कैसे काम करता है कैसे काम कर रहा है कि अंग्रेज परमानेंट सेटलमेंट राइट वाली महल वाली सिस्टम खड़े करते हैं और उसमें काम इसको एक इंडिविजुअल को दे देते हैं लैंडलॉर्ड को तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो अब ये आदमी है इसके पास फ्री का पैसा आ रहा है अब फ्री का पैसा जब आता है तो आदमी किराए का पैसा जब आने लग जाता है तो आदमी क्यों गांव में रहेगा आदमी बेसिकली शहरों में जाके रहने लग जाएगा शहरों में जाके रहने लग गए अब सुनो ये इंडिविजुअल का को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गांव में जाने का ठीक है इसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि रेवेन्यू कितना आना है कितना नहीं आना मैं तो इकट्ठा करूंगा ही करूंगा और वो कुछ इंप्रूव करे या ना कोई कोई ना करे ना करे उसका कोई फायदा है नहीं जमींदारों के पास पैसा आ रहा है लेकिन ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते वापस जाके विलेजेस में बिकॉज दे हैव जीरो इंटरेस्ट ठीक है तो ये बस लैंड ग्रॉबिंग लैंड लैंड ग्रैबिंग बेसिकली अगेन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वही वही ज़मींदार मनी लैंडर्स इन सब का बेसिकली नेटवर्क था ये बेसिकली फाइनली इकोनॉमी में अगर हम दूर से एनालाइज करके देखेंगे तो पेजेंट्स के ऊपर ही बेसिकली उनके ऊपर बर्डन बढ़ता रहता था तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है उसी प्रकार से वेंट अप एंड सो डिड द लाइबिलिटीज ऑफ द पेजेंट कोई अगेन इसको पैरल कॉन्टेक्स में पढ़िए अंग्रेजों के आने से पहले क्या था अंग्रेजों के आने से पहले क्या होता था कि जो जमींदार था वो गाँव में ही रहता था और आपको मालूम है कि गांव की जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड होती है एक दूसरे से जानकारी होती है तो जस्ट बिकॉज की कि किसी ने कोई रेवेन्यू नहीं दिया तो उस समय का कोई जमींदार ऐसा नहीं था कि उसकी जमीन हड़प सकता था राइट दे ऑल न्यू ईच अदर बट दिस वन इज एब्सोल्युटली अन अबाउट इट

जो ये जमींदारों की जो ये नए लैंडलॉर्ड की जो क्लास थी ये कभी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं Why? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश रूल को हटाना चाहती है इज दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल दे आर एक्चुअली बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट ब्रिटिश रूल हटता है तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा सो दे एक्चुअली काइंड ऑफ अपोज स्टैगनेशन ऑन द डिट्यूरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्या है सुनो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानने की बात है कि उस समय की जो एग्रीकल्चर थी वो स्टैगनेट होगी रादर स्टैगनेट होती तो भी फिर भी चलता डीटीओ रेट हो गई बेसिकली और कंडीशन उससे फैमीन्स और पॉवर्टी पूरे के पूरे जो भी हमारे किसानी जो जनता थी उनके बीच में बढ़ते गए और बहुत सारे से इंसिडेंट हैं बड़े बड़े फैमीन्स के एक भयानक डेटा है कि ड्यूरिंग दो टाइम्स तीन करोड़ के करीब अप्रॉक्सीमेटली तीन करोड़ से भी अधिक जो भारतीय हैं सिर्फ और सिर्फ फैमीन्स की वजह से डेथ हुई थी याद रखिए कि ह्यूमन ट्रेजिडीज में फ़ैमिन जो होता है वो सबसे ज्यादा ड्रास्टिकली स्केरी और मतलब इनह्यूमन ट्रेजिडी होती है फ़ैमिन का मतलब है कि देर आर पीपल देर आर विलेजेस डाइंग स्लोली बिकॉज दे हैव नो फूड Famines एक दिन में नहीं मारता फॉर एग्जाम्पल कोई टोर्नेडो आ गया सो इफ समबडी बी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इजन इन वन डे अर्थक्वेक हो गया हैवर्नमेंट कैन डू एनी थिंग अबाउट इट राइट फैमीन्स स्लो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टू मंथस थ्री मंथ्स सिक्स मंथस एंड ईयर टू ईयर एंड इन दैट दे आर डाइंग स्लोली सो इमेजिन डेथ ऑफ थ्री करोड़ पीपल सोलली ड्यू टू फैमीन्स अकाल पड़ने की वजह से यानी ऑल ऑफ दीज पीपल डाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टू टू थ्री मंथ ये तीन तीन चार चार महीने तक जब भूखे रहे होंगे विलेज के विलेज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन विलेज के विलेज जब भूखे रहे होंगे देन दे डाइड दैट इज द्रेविटी ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रक्शन ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ किलिंग थ्री करोड पीपल तीन करोड़ से भी अधिक लोगों की मृत्यु एंड दिस इज ये दिस इज डिफरेंट यू नो लाइक किलिंग समबड़ी बाय ऑपरेशन और बाय शूटिंग इट्स एन एंटायरली डिफरेंट फिनोमिना देन मेकिंग समबड़ी डाइव बाय द फैमीस एंड इसके अलावा एक फिनोमिना कमर्शियलाइजेशन का आइए देखते हैं इसमें क्या होता था कल्टीवेटर <coughs> <coughs> के पास पहले तो कुछ पैसे नहीं थे ठीक है मीन्स नहीं थे उसके पास भी इंसेंटिव नहीं था क्योंकि जमीन उसकी नहीं है ना जमींदारों के पास इंसेंटिव है तो क्या हो रहा है स्टैगनेशन और नहीं हो रहे जमींदारों का बेसिकली अब गांव से कोई खास लेना देना नहीं रह गया वो शहर में रहने लग गए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आ, जैसे सपोज कीजिए कि, कि कोई कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी गाँव से इलेक्ट हुआ ठीक है और अगले पांच साल तक उस गाँव में कभी विजिट ही नहीं किया तो आप सोच के सकते हैं कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें कितनी ही डेवलपमेंट होगी एक्टली ऐसा सिचुएशन हमारे उस समय के कर रहे हैं ऑल दिस विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ड्यू टू सब मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छा अंग्रेजों को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो इनका क्या तरीका है भाई एक, 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 एक फैमिली है उसके पास दस एकड़ जमीन है ये रेवेन्यू नहीं दे पाए ये चार एकड़ पकड़ के किसी और को दे दो भाई तुम्हारी पनिशमेंट है तुम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे ये चार एकड़ तुमसे हड़प लिए गए फिर अगले साल तुमसे से दो साल के बाद फिर रेवेन्यू मिस हो गया ये दो एकड़ फिर से दे दिए किसी और को फिर फिर रेवेन्यू मिस हो गया ये दो एकड़ फिर से किसी और को दे दिए सो so, जो लैंड थी जो एक्चुअली में एक सिंगल पीस की तरह एक्चुअली में उसको कल्टिवेट किया जाता था नाउ इट इज एक्चुअली बीइंग डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स ठीक है अलग अलग फ्रेगमेंटेशन होने लग गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करनी नहीं है परपेचुअली लो लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी रेगुलर रिकरेंस फैमीन्स कॉमन फीचर बन गए ऑफ द इंडिया आप देखेंगे पढ़ेंगे हम एक बार चैप्टर में आने वाले में कि कितने रेगुलरली कितने मेजर फैमीन्स हो रहे थे एंड अगेन आई रियाट्रेट इट वंस मोर बिकॉज यू एक्चुअली नीड टू इमेजिन इट फेमीन की जो ट्रेजिडी है वो ड्रेस्टिकली आई डू नॉट है वो कैब टू एक्चुअली डिस्क्राइब इट Because I can understand a tragedy of an earthquake. I can understand it because it's sudden and nobody can actually predict it. It's sudden. I can also understand a tragedy of flood. Okay. But I can't understand. But it's just simply impossible to comprehend the tragedy of a famine. There is a person, there are families, there are gonna be villages, there are gonna be districts going to die over a period of four, five, six, seven, eight, ten months. ज दे डिंट गेट सिंगल थिंग टू ईट 1850 से 1900 तक डेढ़ सौ सालों के अंदर अंदर तीन करोड़ के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी फैमींस में 1943 का प्रॉबेबली आप लोगों को मालूम है याद भी होगा कि उस समय बंगाल की ऑलमोस्ट वन बाय थर्ड पॉपुलेशन ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर टू पॉलिसी ऑफ विंस्टन चर्चिल क्योंकि उन्होंने जो सारा का सारा अनाज था उस समय भारत का जो भी अनाज था वो वॉर एफर्ट्स के अंदर डायरेक्ट कर दिया था एंडाल मैसिव मैसिंग बंगाल की उस समय की वन बाई थर्ड पॉपुलेशन तीस प्रतिशत से भी अधिक पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी फेमीन की वजह से कमर्शलाइजेशन इज ए सिंपल प्रोसेस सिंपल इज इन देंस कि फूड क्रॉप है उनको हटा के क्यों हो रहे हैं फेमी जिन एक फेमिन करके क्योंकि अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ रहा है देआर पहले इतने फेमिन नहीं आ रहे हैं 1750 से पहले इवन दो एग्रीकल्चर इज नॉट डेवलप इवन एट दैट टाइम मानसून डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर उस समय भी लेकिन फेमींस नहीं होने लग रहे हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी जो कि बेसिकली अंग्रेजों के समय में हो रहे हैं क्यों क्योंकि अंग्रेजों का काम था इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन की तरह यूज करना तो हमारे ये नाइनटीन सेंचुरी में एग्रीकल्चर को कर दिया उन्होंने कमर्शलाइज मतलब कि एग्रीकल्चर जो कि वे ऑफ लाइफ थी हमारा कृषि प्रधान देश था हम जीते उस प्रकार से थे अब उसको एक बिजनेस एंटरप्राइज बना दिया गया बिजनेस एंटरप्राइज क्यों क्योंकि अंग्रेजों के नए कमर्शियल uh, कंसिडरेशन uh, हो गए थे क्या हो गया था उनको कॉटन जूट ग्राउंड नट ऑयल सीड्स शुगर केन टोबैको ये सारे की सारे चीज़ें चाहिए थी क्यों क्योंकि अनाज तो वो खुद उगाने लग गए धीरे धीरे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है मशीनें बन गई हैं ट्रैक्टर बन गए, गए हैं अब उनको चाहिए रॉ मटेरियल जिसको वो यहाँ से ले जाए अपनी फैक्ट्रियों में उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाएँ और फिनिश प्रोडक्ट के बाद बेसिकली वर्ल्ड में बेचे खासकर से इंडिया के अंदर तो मार्केट की तरह यूज किए जाएंगे सो so, ये कॉन्डिमेंट स्पाइसिस स्पाइसिस एक तो एक नहीं आया मुझे नहीं आज तक समझ में आया मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ ये करते क्या थे अंग्रेज़ मसालों का जब देखो हम जहाँ किताबों में पढ़ते हैं मसाले लेते थे स्पाइसेस लेते थे काली मिर्च ले जाते थे हल्दी ले जाते थे करते इनका खाना कभी खा के देखा है एक में किसी के अंदर मसाला नहीं होता सूखा खाना है इनका इन्होंने पिछले चार सौ साल तक ये सारे स्पाइसिस लेके कहाँ गए ऐसे समुद्र में डालते हुए चले जाते थे क्या हैव यू ईटन द ब्रिटिश फूड इट्स एब्सोलूटली कम्प्लीटली टेस्टलेस नमक नहीं डाल पाते हैं उसके अंदर और ये हमसे स्पाइसिस लेके जाते थे करते क्या थे इनका ये कौन से देश में बेचा है इन्होंने इन स्पाइसिस को पूरे के पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंटल पूरे यूरोपियन जो क्वीन है उसके अंदर मसाले इतने कम होते हैं हमारी करी तो इनसे खाई नहीं जाती इनको डेली वैली हो जाता है पेट खराब हो जाता है इनका अगर इंडिया का खाना खा लेते क्योंकि इतने मसाले हैं हमारे खानों में बोलते हैं उनको फिर ये करते क्या थे ये कहाँ ले रहे हैं ये हम हर किताबों में पढ़ रहे हैं कि ये स्पाइसीज़ का ट्रेड करते थे स्पाइसिस का ट्रेड करते थे अगर इतना स्पाइसिस का ट्रेड किया था इन्होंने पाँच सालों तक तो इनके फूड में कहीं स्पाइसिस दिखने तो चाहिए थे दिखते तो नहीं भारत का इनसे राजमा तो इनसे खाया नहीं जाएगा

प्लांटेशन इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली कॉफ़ी रबड़ इंडिगो चाय के अंदर थी और उस समय में जितनी भी ये जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज थी या जो प्लांटेशन जो बागान हुआ करते थे वो सारे के सारे यूजुअली यूरोपियंस ओन करते थे दे वर ओन बाय बाई यूरोपियंस ठीक है और उसको खरीदते थे यहाँ से ले जाते थे पूरे के पूरे यूरोप में बेच डालते थे कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर में फूड की बजाय इन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया जो सामान बेचा जा सकता है स्पेसिफिकली दैट वॉज दी बेसिकली दी होल आइडिया फिर इन्होंने रेल बनाए रोड बनाए स्पेसिफिकली जितनी और तेजी से चाय ले जाओ चाय चलिए कल्टीवेटर हार्डली इमर्ज बेटर फ्रॉम द न्यू कमर्शलाइजेशन ट्रेंड सो कमर्शलाइजेशन ट्रेंड जो ये हो रहा है कि कल्टीवेटर को दोनों का दोनों घाटा हो रहा है क्यों दोनों के दोनों में घाटा क्यों हो रहा है इंडियन प्रेजिडेंट था कमर्शलाइजेशन फोर्स प्रोसेस था उसको कुछ सरप्लस नहीं बचता था ठीक है कि वो सरप्लस मिले कि भाई चलो मैं कॉफी बना रहा हूं अंग्रेजों को बहुत खरीदना होता है मैंने कॉफी उगा दी कॉफी उनको बेच दी और मेरे पास भी कुछ प्रोड्यूस बच गया जिसको मैं बेच के कुछ अपना प्रॉफिट कर लूं नथिंग एल्स नो कमर्शलाइजेशन लिंक्ड इंडियन एग्रीकल्चर विद द इंटरनेशनल मार्केट अब इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने का नुकसान क्या है जब इंटरनेशनल मार्केट डाउन जाती है तो इंडिया की एग्रीकल्चर भी डाउन जाती है ठीक है इंटरनेशनल मार्केट अप जाती है तो इंडिया की एग्रीकल्चर अपनी जा क्यों वी घट जीरो टेक्नोलॉजीज हमारी जमींदारों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ सारा का सारा पैसा अपनी जेब में डाल के थोड़ा सा अंग्रेजों को दे देते हैं और बाकी बेसिकली खुद एक बढ़िया सा बंगला बना लेते हैं हवेली बना लेते हैं बैड सिचुएशन रोज़ बैड सिचुएशन डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्री एंड लेट डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री दो प्रोसेस है अंग्रेजों के 1750 के रूल के बाद उस समय की जो इंडस्ट्री थी ये पहले डिस्ट्रॉय करते हैं सारी की सारी राइट एंड right. जो अंग्रेजों के समय में जो थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई भी है वो बहुत ही लेट हुई है एटीन के बाद सेकेंड हाफ ऑफ दाइनटीन सेंचुरी में 1850s के बाद वो भी लॉक साइडेड है ठीक है वो इंडस्ट्री भी सिर्फ वहां पर डेवलप हो रही है जिसका अंग्रेजों को फायदा हो रहा है मतलब द रॉ मटेरियल विच दे वांट तो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होती है जूट इंडस्ट्री डेवलप होती है स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है बट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के फायदों के लिए और बाकी जो है पुरानी इंडस्ट्री हमारी जितनी जो भी उस समय की प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्री थी उसको अंग्रेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री जो कि मुगल्स के टाइम में बनी थी वो बेसिकली स्टेडली डिस्ट्रॉयड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे टेक्सटाइल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल एक बात ध्यान से सुनो सिंपल बात है जरा याद करके देखो कौन है भाई ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में करने के आए हैं ट्रेड और क्यों कर रहे हैं ट्रेड किस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं टेक्सटाइल्स का राइट दे यूज टू बाय टेक कॉटन हेयर यहाँ से कुछ यहाँ से अलग अलग प्रकार के फाइबर वाइबर लेके जाया करते थे थे तो तो मतलब 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 कि हम बनाते थे ना इसका मतलब। इसका मतलब वी वी हैड समथिंग दे वांटेड तभी लेकर तो ट्रेड ही कर रही थी इसलिए क्यों क्योंकि हमारा बहुत ही उस समय सत्रहवीं सदी अठारवी सदी में नंबर वन हुआ करता था अब अंग्रेजों ने क्या किया इसको बात को ध्यान से सुनिएगा 1600 से लेके 1750 तक ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन पता है क्यों क्योंकि अंग्रेज यहां पर ट्रेडर है ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश आर बाइंग अस दे आर बाइंग रॉ मटेरियल टेक्सटाइल खरीद रहे हैं विच मीन कि जो इंग्लैंड का पैसा है वो इंडिया आने लग रहा है दैट इज अ गुड सिचुएशन फॉर टू बी फॉर अस टू बी into, right? राइट दैट इज गुड राइट सो वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम द ब्रिटेन टू इंडिया पैसा आ रहा है क्यों क्योंकि अंग्रेजों को मसाले चाहिए अंग्रेजों को टेक्सटाइल चाहिए अंग्रेजों को चाय चाहिए अच्छी बात है दैट गुड सिचुएशन अब सत्रह में क्या हो गया अंग्रेजों ने बंगाल पे कंट्रोल कर लिया और वहां पे करके क्या करते आर कलेक्टिंग रेवेन्यू अब देखो यहां पे अब कैसे अब आपको एक्जैक्टली exactly समझ आएगा कि आखिर ये क्यों कहते रहते हैं हम कि अंग्रेजों ने हमारी पूरी की पूरी जो दौलत है उसको लूट लिया देखो कैसे लूटा अब जो इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं अंग्रेज इसी रेवेन्यू से इंडियन रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं और इस इंडियन रॉ मटेरियल को ये ले गए That is how. अब ऐसा नहीं होता कि जेब में पैसे ले लेके बेसिकली शिप पे जा रहे हैं सो द मनी विच वॉज एक्चुअली फ्लोइंग फॉर वन फिफ्टी ब्रिटिश मनी वॉज फ्लोइंग इन इंडिया तभी तो हम इतनी बड़ी इकॉमी है, 25, है But पे जैसे ही वो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट अंग्रेजों को मिलते हैं इट स्टार्ट द रिवर्स ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ये इसी रेवेन्यू से हमारा रॉ मेटेरियल हमारा सामान खरीदने लग जाते हैं सो दे टेक मनी फ्रॉम अस एंड देन दे बाय थिंग फ्रॉमस उसी पैसे से मैंने आपसे पच्चीस हजार रुपए लिए और फिर आपसे आपका ही सामान खरीद लिया उसी पच्चीस हजार रुपए से मैंने आपको पैसे दे दिए एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर बेसिकली पुअर बाय योर रॉ मेटेरियल एंड बाय माई मनी ऑल्सो सो ब्रिटिश स्टॉप पेइंग फॉर इंडियन टेक्सटाइल इन पाउंड्स ले आता था पाउंड्स में हमारा अच्छा सही चल रहा था मुगल्स तभी इकोनॉमी अपनी तेज हो रखी थी देन अब वो रेवेन्यू जो आने लग गया बंगाल से दे एक्चुअली स्टार्टेड पेइंग फॉर दैट हो गई उनकी तो ऐश शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्रश कर दी इन्होंने हमारी शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज थी सूरत में मालाबार में बंगाल में मसूलीपट्टनम में वी दीज दीज ऑल प्लेसेस सूरत ना, लिखो इनको क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछेंगे सूरत मालाबार बंगाल मसूलीप्टनम ये थे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के तो ब्रिटिश ने क्या किया द ब्रिटिश Ships contracted by the company were given a monopoly over trade routes अब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शिप उस पे ट्रेड कर सकते हैं इन ट्रेड रूट्स पे इंडियन रूट वाले कर नहीं सकते तो हमारी पूरी की पूरी जो शिप इंडस्ट्री थी अब कहां ये मतलब शिप बना के करेंगे क्या खड़े करे रखे, खड़े करे रखे उनको जब तक ये ट्रेड रूट में नहीं चलेंगे शिप किस काम के

ऐसा अंग्रेजों ने 19वीं सदी में हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ किया उन्होंने बोला कि ट्रेड रूट सिर्फ सिर्फ और ब्रिटिश शिप चलेंगे एंड लाइक व्हाट, व्हाट? 1813 में इन्होंने कानून बनाया देखो लेजिस्लेशन से कैसे डिफीट कर रहे हैं हमें लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोहिबिटेड शिप बिलो 350 टन फ्रॉम सेलिंग बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन

शिप थी बंगाल की जितनी भी शिप थी साढ़े तीन सौ टन से नीचे की हुआ करती थी देवर आउट ऑफ कमीशन अठारह चौदह में नया हैं क्योंकि चैन से नहीं बैठना नहीं, इनको पूरा लूटना है पूरा कंप्लीट करेंगे ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया पे लॉ बना रहे हैं पर इंडिया में जो शिप बनी है उसको ब्रिटिश रजिस्टर नहीं करेंगे और सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप थे जो कि अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे ट्रेड कर सकते थे सो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अंग्रेजों के ऐसे वाहियात लॉस के द्वारा ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री टू ग्रो हमारी इंडियन स्टील इंडस्ट्री में आपको डेफिनेटली नाम सुना होगा टाटा का टाटा साइड देवरदी प्री आ, उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी स्टार्टिंग में काम किया था देखो उस समय देव दो लाइक अगेन ब्रिटिशर्स बेसिकली आप ये समझिए कि गवर्नमेंट है राइट तो कोई ना कोई इंडियन जो एंटरप्राइजिंग इंडियन होता है कुछ ना कुछ जुआड़ लगा के सिस्टम लगा के कुछ ना कुछ प्रेशर प्रेशर डाल के तेज एंटरप्राइज दिखा के ऑन्टरप्रिनरशिप दिखा के लगा के प्रेशर प्रेशर करके कुछ ना कुछ करके उन्होंने काम किया किसी प्रकार से टाटा बिगेन टू प्रोड्यूस स्टील ठीक है स्टील बनाना उन्होंने स्टार्ट किया बहुत हाइडेक्स के बाद लेकिन ये सब करने के बावजूद भी दे वर रिस्ट्रिक्टेड बाई बी फोर्स टू प्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील फॉर ब्रिटिशर्स एक सिंपल लॉ बना देते थे कि तुम बना तो रहे हो लेकिन ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है इससे उप, इससे ऊपर नीचे का बनाओगे तो किसी को लेने नहीं देंगे हम तो तुम जाके खर्चा करो एक्स्ट्रा ब्रिटिशर्स कैन मेक अ स्टील ऑफ लोअर ग्रेड एंड कैन सेल इट टू ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस वेर इज इंडियंस वर सपोज टू मेक ए हायर ग्रेड स्टील इट वॉज ऑलवेज कॉस्टली तो ऐसी मार्केट जिसके अंदर लोअर क्वालिटी ऑफ स्टील चाहिए उसमें से हमारे टाटा कभी काम नहीं कर पाए सो स्टील कुड ओनली रिस्ट्रिक्शन वर बाय प्लेस बाय द ब्रिटेन ऑन इंडियन स्टील इम्पोर्ट्स तो इंडियन स्टील को बेसिकली बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे इंडिया स्टील बनाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज कर सकते थे वरना ये जो अभी टाटाज है बेसिकली यू कैन जस्ट इमेजन कि प्रॉबली और डबल बड़ी इंडस्ट्री होते This went on and on, on and on, on and on. Second half of 19th century, यानी 1850 के बाद, yes आप देखेंगे history में देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी development हुई है. सबसे पहले 1850 याद कीजिए, 1850 में क्या हुआ है? Specifically, second half of the 19th century, first cotton textile of India was made in, was started in 1853. ठीक है? वोट से पहले एंड द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वो स्टार्टेड इन दी 1855 अगेन देखना वही सेक्टर होंगे जिनका अंग्रेजों को फायदा हो रहा होगा ये नहीं है कि को। so, Bombay में बॉम्बे में कुवास जी नाना भाई के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल स्टार्ट हुई फिर फर्स्ट जूट मिल 1855 में रिश्रा यानी बंगाल में स्टार्ट हुई थी प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बत याद कर लीजिएगा ठीक है पर जितनी भी मॉडर्न एजेंसीज थी ज्यादातर तक ज्यादातर जो भी एजेंसीज हुआ करती थी दे वर वन वे और दी कदर चाहे पीछे के शेयर मनी लैंडिंग के या बैंक के द्वारा दे यूज टू बी कंट्रोल बाई दी ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज बैड सिचुएशन थी यार बड़ी बुरी हालत थी Are we in the class? Can we take certain questions also?

अंग्रेजों की इन सारी की सारी पॉलिसीज का क्रिटिक किया कुछ किताबें लिखी जिसमें से मैं बताता हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी सपोर्टेड द ब्रिटिश रूल पहले यानी कि 1800 से लेके 1850 तक

क्या है सत्य बेसिकली आखिर वन डे और दी अदर सामने आ ही जाता है चाहे कोई कितना भी झूठ बोल ले कितने दिनों तक बोल ले वन डे द ट्रुथ ओनली सर्वाइव दैट इज फॉरमोस्ट अमंग दीज दिस्ट वी दादा भाई नारोजी दादा भाई नारोजी जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है नाम याद रखेगा उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और इन्होंने उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एनालिसिस किया था जिसके आ, जिस समय इन्होंने एक आइडिया दिया थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ठीक है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ड्रेन इंडिया की वेल्थ है इसको ड्रेन किया जा रहा है यूरोप की तरफ और ये कॉन्सेप्ट दादा भाई नेहरू जी ने अपने किताब में दिया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया अब ये जो इकोनॉमिक क्रिटिक किया गया है नेशनलिस्ट ने इसमें कुछ और नाम भी महत्वपूर्ण है।, है जस्टिस महादेव गोविंद रोमेश दत, जिन्होंने है, गोपाल कृष्ण गोखले जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड चंद्र पृथ्वी चंद्र रे इन सब ने इनके इनके द्वारा बेसिकली इंडिया का जो सॉरी कॉलोनियल इकोनॉमी का बेसिकली क्रिटिक किया गया दे रोट बुक्स

धीरे धीरे देश के अंदर इंफॉर्मेशन दी लॉजिक दी स्पेसिफिकली कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी जो है भारत को और ज्यादा गरीब करते जा रहे हैं। इजी नॉट अ प्रॉब्लम कोई समस्या की बात नहीं है बेसिक आइडिया है So, पहले जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे वो कहते थे कि इंडिया एक्चुअली में गरीब है और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की वजह से हम ग्रो करेंगे हम बड़े हो जाएंगे बट दैट एक्चुअली वाज प्रूव रॉन्ग बाय दिस न्यू हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने इस बात को प्रूव किया अपनी किताबों के द्वारा एंड दे एक्चुअली एंडेड अप टेलिंग कि हमारी जो ये अंग्रेज है ये हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं रादर जो भी होने लग रहा है ट्रेड जो बढ़ रहा है रेलवेज का जो बढ़ रहा है इस सारी की सारी जो चीजें हैं दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू तो ब्रिटेन को ही ट्रेड जो, जो, कि जो है उससे हमारे सारे के सारे जो है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है अनईक्वल और अनफेयर कॉम्पिटिशन है और जो भी ये पॉलिसी है वो सारी की सारी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के द्वारा गाइडेड है दिस इज वॉट एक्चुअली

ले जा रही है अपनी तरफ से वाज इजीली ग्रैप्स्ड बाय अ नेशन ऑफ पेजेंट्स फॉर हुम एक्सप्लॉयटेशन वाज अ मैटर ऑफ डेली एक्सपीरियंस मतलब कि देश के अंदर जो ये नेशनलिज्म की भावना डेवलप होना स्टार्ट होती है 1870 से 1880 के बाद ये इसकी ग्रोथ में हमारे जो नेशनलिस्ट हैं उनका जो इकोनॉमिक क्रिटिक था ब्रिटिश कॉलोनी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन दे पुट फॉरवर्ड दीज आइडियाज वेन दे एजुकेटेड द मासेज कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्चुअली में इंडिया के फायदे के लिए नहीं रादर वो एक फॉरेन रूल है और हर पॉलिसी से भारत की जो वेल्थ है वो बेसिकली इंग्लैंड जा रही है ये आइडिया जब लोगों के दिल में आया देन पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई अंग्रेजों पहले तो हमें हमारा स्वराज दो और जो ये कर रहे हो ये करना बंद करो That is how actually our nationalism grew very specifically. ठीक है cool. so this was basically the first of the, हमारा जो आज का idea था जो आज की हमारी क्लास थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाली दिस इज वॉट वी ओर सपोज टू डू टूडे आई ऑलरेडी कि अगर आप चाहते हैं क्या नाम है hmm. If you need the PDFs, uh, these are available on uh, this telegram channel. If you need to get in touch with me, please uh, do join me on the Instagram handle. Also, before I go, I should again just remind you ki dekho, agar UPSC ki puri ki puri preparation hai, through the live classes for the history, polity, economy, geography, current affairs. UPSC Live Foundation batch study IQ has already begun on the 30th September. All you have to do to join the batch is to go to the study IQ website and use the code. अमित लाइव इफ़ यू डोंट ज्वाइन विद द अमित लाइव मेक योर फ्रेंड और योर ब्रदर और योर सिस्टर और योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर और द फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर और एनी बडी एल सू नो और समर इन स्कूल बाईक एंड एल सी यू डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश रूल इन दैक्सट लेक्चर लेकिन अब की बार ब्रिटिश रूल के ऊपर फोकस ना होके हमारी नेशनलिस्ट मोमेंट जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि वट वेन इंडियंस को जब रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं how did we respond to it what did we started doing in the next class